अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब मैं आपके साथ ही बहुत ही जल्दी बनने वाली चिकन मेयो सैंडविच की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर हम टू वे में बनाएंगे इसे, और लेकिन ये बहुत ही जल्दी बन जाती है और इसमें आपको कुकिंग वगैरह कुछ नहीं करनी है। तो ये रेसिपी बहुत ही आसान होने वाली है और उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद भी आएगी। तो चलिए हम इस रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है और इसमें हम 2 टेबलस्पून मेयोनीज डाल देंगे। आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाला है क्योंकि मेयोनीज में भी सॉल्ट होता है। यहाँ पर हम 1/2 टीस्पून के करीब ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे। थोड़े से फ्रेश कोरिएंडर है उसे ऐड कर देंगे। और यहाँ पर 1 कप मैंने श्रेडेड चिकन लिया है। चिकन को सिर्फ मैंने बॉईल कर लिया था और कुछ नहीं किया है। तो इसे हम मिक्स कर लेंगे। आप चिकन को प्रेशर कुकर में भी कर सकते हो, नॉर्मल पानी में भी आप इसे बॉईल कर सकते हो। और इसे देखिए हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी एक स्टफिंग रेडी हो गई है। देखिए कितने आसानी से जल्दी से हमारी स्टफिंग बन गई। तो अभी हम यहाँ पर ब्रेड के स्लाइस ले लेंगे। आप कोई भी ब्रेड ले सकते हो, सैंडविच ब्रेड जो भी अवेलेबल हो। तो यहाँ पे मैंने भी वही किया है, जो मेरे पास अवेलेबल था वही ब्रेड लिया है। तो आप चाहो तो इसके ऊपर आप बटर लगा सकते हो या मेरी तरह डायरेक्टली इसे रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर चिकन की स्टफिंग को डायरेक्टली ब्रेड के ऊपर रख दिया है। और अब हम इसे जो सेकेंड वाला जो हमारा ब्रेड है उससे कवर कर लेंगे और कट कर लेंगे। तो ये देखिए इसे मैंने कट कर लिया है। बहुत ही क्विक है रेसिपी है, जल्दी बन जाती है। टिफ़िन वगैरह में भी आप लेके जा सकते हो, बच्चों को दे सकते हो। बच्चे जब खेलने जाते हैं बाहर तभी वो भूख लगती है उनको, तो तभी भी आप इनको बना के खिला सकते हो। तो अभी ये जो बाकी की जो सेकेंड स्टफिंग है उसमें हमको कुछ नहीं करना है। सिर्फ यहाँ पर जो चिंग्स वगैरह का सेजवान चटनी होती है सबके घर में अवेलेबल होती है, या होममेड वाली आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो इसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऐड किया, उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे मैंने ब्रेड ले लिया है और इसे भी हम अच्छे से स्टफिंग को स्प्रेड कर देंगे बस, और इसे भी कट कर लेंगे। तो ये हमारी सेकेंड सेजवान मेयोनीज सैंडविच रेडी हो गई है। तो देखा आपने कितनी क्विक रेसिपी है। इसे आप टमेटो केचप के साथ किसी के साथ भी सर्व कर सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।